हिंसा में अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें मृतकों में 3 उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले थे। हिंसा वाले दिन सोमवार को दिल्ली के मुस्तफाबाद में खैरत मशीन का काम करने वाले शहबाज लापता था। शहबाज सोमवार की शाम को घर से हिंसा के बीच दुकान बंद करने पहुंचा था, मगर शहबाज घर ना लौट सका। दंगाइयों ने शहबाज को गोली मार उसे मौत के घाट उतार दिया। घर वालों को शाहबाज की कोई खबर नहीं थी। माहौल शांत होने के बाद लगातार परिवार वाले शाहबाज को ढूंढ रहे थे। गुरुवार सुबह 11 बजे परिजनों को जानकारी मिली कि शाहबाज का शव लावारिसों में जीटीवी अस्पताल में रखा है। परिवार को जिस अनहोनी की आशंका सता रही थी, सूचना मिलने पर वह साफ हो गई। शाहबाज बुलंदशहर के अमरपुर गांव का रहने वाला था। इस दौरान परिजनों ने कहा कि आखिरकार हिंदू मुसलमान के नाम पर यह नफरत और नफरत के चलते खून की होली आखिरकार कब तक खेली जाएगी। हिंसा वाले दिन से 4 दिन बाद दिल्ली से 104 किलोमीटर दूर डिबाई इलाके के भीमपुर गांव के शाहीन के शव सुपर्द एक खाक पर कर दिया गया, मगर भीमपुर गाँव से ठीक 60 किलोमीटर दूर जहांगीराबाद इलाके के साखनी गाँव के अवशाक का शव परिजनों तक नहीं पहुंचा। दिल्ली हिंसा ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के इन परिवारों को जो जख्म दिए हैं, वो आसानी से भरने वाले नहीं हैं। और इन परिवारों में मरने वाले अपने परिवार के वह मुखिया थे, जो 4 पैसे ज्यादा कमाने के लिए बड़े शहर यानी दिल्ली मेहनत मजदूरी करने के लिए अपना गाँव छोड़कर गए थे। बुलंदशहर से जिला संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। शरद भाई, यहाँ से वो गए, क्या वहाँ करते थे, और जब आपको पता लगा, कितने समय बाद पता लगा? सर, वो एक गरीब परिवार से हैं, वो यहाँ से गए और किराए पे रहते थे, मेहनत मजदूरी करते थे। अब उसका जिस दिन दंगा हुआ तो सुबह अपनी दुकान पे था, दुकान बंद करके आ रहा था, तो उसे मार दिया गया। पता नहीं पुलिस ने मारा या दंगाइयों ने मारा। अब उसे 3 दिन खोजबीन कर रहे थे, मिल ही नहीं पा रहा था, तो आज सुबह पता लगा कि वो GTV हॉस्पिटल में डेड है। तो अभी उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिल पाई है। ये लोग गरीब लोग हैं, ये मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे, इनका दंगे से कोई लेना देना नहीं था। और इन्होंने पता नहीं किसने मारा, पुलिस ने मारा या दंगाइयों ने मारा, उसका अभी ये भी शनाख्त नहीं हो पाई है। तो अभी हमें डेड बॉडी उसकी नहीं मिल पाई है। ये जो हिंदू, तो ये हिंदू मुस्लिम नहीं होनी चाहिए सर। कब तक होगी ये हिंदू मुस्लिम? क्यों ये राजनेता हम लोगों के बीच में हिंदू मुसलमान कितना जहर भर रहे हैं, जिससे कि एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ इंसान। हम सब भाई भाई हैं, हमें मिल कर रहना चाहिए, ऐसा आइंदा नहीं होना चाहिए। इतना सरकार को करना चाहिए कम से कम। तो ये भाई जो आपके चचा हैं, क्या करते थे, क्या परिवार की स्थिति थी, और जब आज आपको लगा, आप कितने हैरान हैं? जी, हम तो बहुत हैरान हैं जब से उनका नाम सुना है, और हमारा भतीजा लगता है वो, और रोना आ रहा है इस बात पे कि वो मेहनत मजदूरी करके काम चला रहे थे अपना वहाँ, और उन लोगों ने दंगाइयों ने मार दिया। और ये लोग जो भाषण दे देते हैं, एक बात कहे घर में बढ़ जाते हैं, उनकी पोस्टें आ रही हैं कि वो खाना खा रहे हैं रेस्टोरेंटों में, और लोग मर रहे हैं उनके भाषणों पर। कब पता चला? 3 दिन तक कैसा पता? 3 दिन से ये था कि उनके जो लड़के साथ के थे, उन्होंने कहा कि उनके टांग पर गोली लगी है। इतनी बात पता चली, वहाँ पर इतना कर्फ्यू है कि वहाँ बाहर निकलने नहीं दे रहे थे। तो आज वो लोग सुबह गए हैं वहाँ, तो जो पता चला है उसका लड़के का कि वो मर गया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.